perfect. Hi friends. आज हम हमारे दो friend हैं. ये मेरे subscriber नहीं हैं. और lovely university में पढ़ते हैं. LPU, right है ना? आपका नाम sir? मेरा नाम युवराज. कहाँ से? मैं हिसार हरियाणा से. और आप सर? मेरा नाम आशीष. मैं जम्मू से. जम्मू से. और ये दोनों सेम ही सेम ही हमारा कोर्स है और हम रूममेट्स हैं. रूममेट्स हैं. और इन सर को एक ब्रीड चाहिए थी छोटी, राइट? हाँ जी. हम वॉलमार्ट में हम मिले पहली बार, राइट? शॉपिंग वहाँ मिले. तो इन्होंने शायद कहीं चैनल हमारा सब्सक्राइब किया कि नहीं किया? किया हुआ था मैंने. यार देखो ये गुस्से वाले, सच्ची बताओ. नहीं नहीं कसम से, मैंने ना लास्ट मंथ ना मैं काफी ढूंढ रहा था काफी मंथ से, तो यूट्यूब पे देखता था तो आपका देखा ना, मेरे को नॉलेज मिलती थी तो मैंने सब्सक्राइब कर लिया था. मैं जानता था मतलब आपको उस टाइम पे, क्योंकि हम बिलिंग सेक्शन से निकल गए थे तो आपने कहा था कि आप वो मैंने कहा मैं ना जैसे शॉपिंग करके हमने बिल वगैरह करा लिया था, दो दो साथ में थे, मैंने यार ये बंदा कहीं देखा हुआ है. फिर मैं YouTube खोला, मैंने देखा यार सेम है. मेरे साथ अक्सर ऐसा ही होता है, लोग डबल चेक करते हैं, बंदा सेम ही है ना. मैं मेले में कहीं पर ऐसा ही होता है. चलो बात रही, इनको चाहिए थी छोटी ब्रीड, इन्होंने दो तीन जगह ट्राई करी लेकिन वो नहीं मिल पाया. पर अभी हमारे पास है बेला. बेला मिलिया माय फ्रेंड. बेला मिनी पोम, म्यूचुअल पोम भी कुछ मेरे फ्रेंड इसको कह देते हैं. इसका बॉडी वेट आज ये 70 दिन के आसपास है और हमने इसका बॉडी वेट चेक किया कि 800 ग्राम के आसपास ही निकला. और ये लगभग आपके पास आज हो ही गए कुछ 6-7 दिन. और 6-7 दिन ये लेकर हो गए हमारे पास गए हुए. और क्या एक्सपीरियंस रहा? ये फर्स्ट टाइम जब मैं लेने आया था आपके पास इसी शॉप में, तो बड़ी मतलब यूँ लग रहा था इनएक्टिव सी है, मतलब होगी एक्टिव या नहीं होगी. मतलब घर जाते ही थोड़ा रेस्ट लिया इसने, एक घंटा सोई, खाना खाया, उसके बाद तो एक्टिव जो हुई है, मतलब इसको कह नहीं सकते हम कि ये रुकती नहीं एक जगह. इसको आप 24 घंटे खिला लो, ये खेलती रहेगी, खेलती. ये हम सोचते हैं यार ये थकती क्यों नहीं है. इन्होंने मुझे कहा था कि ये जहाँ पर थे थोड़ी सी डरी हुई थी, क्यों? एक तो माय फ्रेंड जब भी आप नया पप्पी लो ना, वो जब अपने भाई बहनों से अलग होकर आते हैं कंफर्ट जोन से, मान लीजिए हाँ उसने बॉर्न रहा अपनी माँ के साथ रहा एक प्रॉपर के किसी फार्म में रहो या कहीं भी हो, तो नई जगह जाता है वो थोड़ा सा सहमा था. तो मैंने इनको कहा कि सर टेंशन मत लीजिए, आप थोड़े दिन के बाद मुझे ये कहोगे कि भाई ये इसको मान लो इतना परेशान करिए मैं अपनी स्टडी में भी डिस्टर्ब हो रहा हूँ. तो लगभग वहां तक पहुंच गया, भगवान ना करे स्टडी में डिस्टर्ब. ये इनके साथ ही में है. और आपका कैसे क्या एक्सपीरियंस रहा है? मेरे को तो बहुत क्यूट लगी. आप पहले डॉग लवर थे या इसको देखने? मेरे पास एक्चुअली जर्मन है घर पे. okay. जर्मन था मेरे पास, तो मुझे एक्चुअली वैसे ही डॉग्स पसंद थे. जब इसने कहा कि मिनी पॉम ला रहे, मैंने कहा कैसा होगा देखते एक्सपीरियंस, फर्स्ट टाइम कोई ऐसा छोटा पपी आने वाला है. तो मैं जम्मू से आया, जब वापस देखा इसको छोटी सी थी, अभी तो एक हफ्ते में बहुत बड़ी हुई है. जब खेलना शुरू किया इसके साथ तो बहुत ही मतलब क्या बताऊं आपको. इन्होंने एक दो बातें शेयर की कि इनके जो पीजी में वो जो एग्स वगैरह डिलीवरी या और बहुत आते हैं, या इनका ऑनर जो है लैंडलॉर्ड है वो लगभग सभी इसको कैट समझ रहे हैं, बिल्ली समझ रहे हैं. जब मैं ना रूम पे था अपने, तो मैं सोया हुआ था, ये भी मतलब सोई हुई थी मेरे साथ. जैसे रूम का दरवाजा खड़का तो मेरे साथ उठ जाती है, जब भी होता है ना तो साथ आ जाती है. तो ये आई तो मेरा जो मकान मालिक है हुआ है, तो पूछते कि आपने कैट पाल ली? मैं कहा सर कैट नहीं है, डॉग है. तो वो भी बड़े हैरान हुए देख के इसको, कहते अच्छा अच्छा. एक और मेरे लिए जो एक देखो जनरेशन के साथ कैसे शौक चेंज हो रहे हैं, मैंने इनसे क्वेश्चन पूछना था पहले ऑफ द कैमरा पूछा कि जो आजकल के आप जिम भी जाते हो, राइट है ना? तो ये आजकल के जो बॉयज हैं वो जिम जाते हैं, वो ज्यादातर बड़े मस्कुलर डॉग पसंद करते हैं, पिट बुल, बुल्लीज वगैरह, रॉटवाइलर और ब्रीडें बहुत हैं. लेकिन आपका आप गए छोटी ब्रीड की तरफ, वो कैसे क्या माइंड में था? क्योंकि शुरू से ना मेरे को वैसे डॉग मतलब नहीं पसंद थे मतलब टाइप ऑफ की ना, वो घर में रहने के लिए जैसे घर का एनवायरमेंट होता है ना, तो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि यार ये बड़े डॉग्स हैं तो एडजस्ट हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे. तो शुरू से ना पापा को तो शुरू से यही पसंद था, क्योंकि पापा ने ना पहले भी ये करे हुए हैं, रखे हुए हैं पहले भी. तो ना पापा को पसंद था, तो पापा शुरू से कहते थे ये रखना है. तो मैं भी जब छोटा था, मम्मी को पता है घर में मम्मियाँ होती हैं कि नहीं गंद डालेगी, ये करेगी वो करेगी. तो फिर जब छोटा था जब तो मैं जिद करता था, कौन सुनता था. फिर अब मैं बड़ा हुआ, फिर मैंने थोड़ा अर्न वगैरह किया, तो घर वाले भी मना नहीं करते अगर बंदा खुद की मतलब अर्निंग से ले रहा है या खुद की वो करता है, तो घर वाले भी अप्रिशिएट करते हैं.
तो मम्मी को मैंने ना फोटो दिखाई थी कि मैं ये लेना, मम्मी ने पहले ही नाम रख दिया, मम्मी क्रोम पे लगी हुई है डॉग नेम ये तो बेला, मम्मी ने नेम डिसाइड कर दिया इसका लेने से पहले ही, मम्मी ने बेला डिसाइड कर दिया था नेम इसका। फिर मम्मी ने मतलब काफी मम्मी को बहुत पसंद आया कि हाँ बहुत प्यारी है, यही रखनी है, यही रखनी। कितना समय अभी यहाँ पंजाब में रहेगी ये? अभी मेरे पास एक डेढ़ महीना रहेगी, उसके बाद मैं घर दे दूंगा इनको। बाकी फ्रेंड ऐसा है कि देखो डॉग का जो एक डिसिप्लिन या प्रोटोकॉल लाइफ के अंदर, देखो कब से वो लगभग 5-6 दिन हुए आप लेकर गए ना, और तब से ही वो इनके साथ ही उठती है, ये दोनों खाना डालते हैं इनके पीछे पीछे ही है, ये रूम में भी कुछ अजीब तरह चलते हैं, ये कहते हैं कहीं पाँव के नीचे ना आ जाए, हम तो पाँव ना सरफेस के साथ रब करके चलते हैं यूं कि कहीं एकदम से नीचे ना आ जाए, क्योंकि बहुत फुर्ती है, हम लास्ट इसको वहां देखते हैं ना पलंग यूं करते हैं तो ये पीछे मिलती है। तो ये देखो अभी भी आराम से बैठी हुई है। माई फ्रेंड बड़ी ब्रीडें भी रखना जरूरी है, बहुत बढ़िया, बट माई फ्रेंड ये जो छोटी ब्रीडें होती हैं, ये जो जिनके मान लो क्या को इंडोर ब्रीड रखना चाहते हो आप, जैसे आपका है वो पीजी है पर इसको छोड़कर जाना है, फिर आपको स्टडी में भी ध्यान देना, फोकस करना है, गेम्स में भी, तो ये छोटी ब्रीडें होती हैं जो इंडोर रखी जा सकती हैं। आप अगर जर्मन शेफर्ड को पीजी में वो चीज पॉसिबल नहीं है, एडजस्ट नहीं हो पाएगा ना, वो फिर बाद में फिर वही इरिटेट हो जाते हैं बड़े से, लेकिन ये अपनी पूरी रेस्ट ऑफ लाइफ एक घर के अंदर इंडोर ब्रीडों में सबसे ज्यादा ये पोमरेनियम फैमिली में से आते हैं, ये जो हर तरह बहुत बड़ी फैमिली है, ये अलग अलग कलर में अलग अलग बॉडी साइज में आते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि देखो प्लीज आप छोटी ब्रीडों को भी रखिए, अगर आप इंडोर डॉग रखना चाहते हो, घर छोटा है तो छोटी ब्रीड है, ये भौंकेगी भी आगे जाकर, ये अभी भी कर दिया अभी भी, ये अच्छे वॉच डॉग होते हैं जो कि आजकल हमें बहुत जरूरत है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो, के अंत में हम आपको छोटे से इनके जो इन्होंने ट्रेनिंग भी दे सिट किट भी और स्पिन की, स्पिन की वो वीडियो डालते हैं जो इन्होंने कुछ विद इन 4-5 डेज ही सिखा दिया। आपके दो फ्रेंड्स के नाम प्लीज। एक है अरुण पुल्ला कुमार कार्तिक रेड्डी, बहुत बड़ा नाम है उसका। ओह माय गॉड। तो शॉर्ट में क्या चलता है? अरुण पुल्ला या अरुण बोलते हैं। ओके। तो वो है आंध्र प्रदेश से, वो उसके इंजरी हुई थी तो वो आ नहीं पाया, प्लेयर है खो खो का, वो बेचारे के चोट लग गई। हाँ। और दूसरा जो आप लेजी कह रहे थे कुछ वो जम्मू का है। ओके। उसका नाम ईशान, वो संडे है इनकी छुट्टी है तो वो आज पूरा दिन, जब इनको लेने आए थे वही आए थे ना, दोनों साथ में। तो हमारा प्लान था कि तभी सभी वीडियो बनाए, लेकिन वो तब बहुत रात हो गई थी नाइट तो लेट हो गया था। तो फ्रेंड्स उनकी भी आपको वीडियो मिलते हैं, क्या बॉन्डिंग करती है जब बेला उनके साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई फ्रेंड। थैंक यू बेला, कम ऑन, कम ऑन, सिट 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 सिट, गुड गर्ल, गुड गर्ल, वेरी गुड गर्ल, गुड गर्ल Bella, come on, come on, spin. Very good, good girl. Good girl, good girl, good girl. Bella, Bella, come on, sit, 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 sit. Bella, sit, 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 sit. Stay, 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 good girl. Good girl, good girl, good girl, good girl, good girl. Last thing must be longer. Bella, come on. Spin, spin. Bella, spin. Bella, spin. Spin. Good girl, good girl. Perfect. आप बार बार रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आपको फ्री डॉग चाहिए, तो हमने एक छोटा सा कॉन्टेस्ट स्टार्ट किया है कि कैसे आप एक फ्री डॉग ले सकते हो इन दो ब्रीडों में से, जर्मन शेफर्ड या पग, क्या आपको लेना है ये आप पर डिपेंड है, कैसा आपका घर है, क्या कितना समय आपके पास, आपको वॉच डॉग चाहिए, गार्ड डॉग चाहिए, या एक पग की तरह अच्छा फैमिली डॉग चाहिए। शोला चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएँ नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने के लिए। अपने फेवरेट सोशल मीडिया नेटवर्क साइट्स पर भोला शोला चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और फॉलो करें।